नामों को देख रहे हैं, ऐसे में कई ऐसे नाम हैं जो कल तक आपकी पार्टी में थे, आज जी हमारी पार्टी से तोड़कर भी बहुत सारे नेताओं को, बड़े नेताओं को ले जाया गया और उन्हें टिकट दिया गया। और एक मजेदार बात तो ये थी कि अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो उनको अपने पार्टी में कोई नहीं मिलता है। महिलाओं की संख्या वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा है, तो लोकसभा चुनाव में आपने देखा ही किस तरह से 3 महिलाओं को टिकट भाजपा ने दिया और तीनों महिलाएं जेएमएम, कांग्रेस और राजद से ले जाई गई थी। तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे, अपने आप को इतनी मजबूत पार्टी कहती है लेकिन चुनाव के समय में उन्हें क्यों आखिर दूसरे पार्टी से और खासतौर पर जेएमएम से लोगों को लाना पड़ता है? उम्मीदवारों की लिस्ट देखकर लगता है कि मजबूत कंटेस्ट आपको दे पाएंगे वो विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल नहीं, यहाँ इतनी अच्छी तैयारी है हमारी जेएमएम और गठबंधन की कि बीजेपी इस बार भी सत्ता में नहीं आ पाएगी, ये तो तय है। जनता ने मन बना लिया है काम को देखते हुए कि राज्य बने इतने साल हो गए, 24 साल, इसमें 17-18 साल बीजेपी को मौका मिला, उनके कई मुख्यमंत्री रहे लेकिन झारखंड आगे नहीं बढ़ पाया और भी पिछड़ गया, पिछड़े राज्यों में दूसरे पायदान पे है। लेकिन अभी इस कार्यकाल में जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी ने तमाम बाधाओं को पार करके कोविड का जो के समय को भी पार किया, खुद जेल में 5 महीने उनको रखा गया बिना किसी सबूत के, इन सबको पार करते हुए भी उन्होंने जो काम कर दिया है उससे जनता दोबारा उन्हें लाने का मन बना चुकी है।